हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रिंकेश लिम्बाचिया। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कोई भी फाइल है या तो कोई फोल्डर है उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसको पासवर्ड से स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल है या तो फोल्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के मैं तीन तरीके आपको बताऊंगा। तो ये जो तीन तरीके है वो आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि फाइल और फोल्डर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। फाइल या तो फोल्डर को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ एक फोल्डर बनाया है, और ये जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने एक फाइल भी बनाई है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे कि फाइल या तो फोल्डर को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो ये जो फोल्डर है उसके ऊपर आपको माउस से राइट क्लिक करना होगा। उसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसमें आपको यहाँ एक हिडन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आपको टिक मार्क कर देना है, और यहाँ अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो इस फोल्डर के लिए ही रहेगा, और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कहना चाहता है कि आप जो भी चेंजेस करने वाले हो ये इस फोल्डर में तो चेंजेस होगा ही, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर जो भी सब फोल्डर या तो कोई भी फाइल है तो उसमें भी ये चेंजेस होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ जैसे ही मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो फोल्डर है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो फोल्डर है यहाँ से चला गया। फिर यहाँ ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि ये जो फोल्डर मैंने हाइड किया है वो मुझको फिर से वापस लाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो पहले तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो फोल्डर है वो आपने कहाँ पर बनाया था, उसका लोकेशन क्या था, उस लोकेशन के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो मैंने फोल्डर बनाया था वो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने बनाया था, तो मुझे डेस्कटॉप के ऊपर जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ दिस पीसी के ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए, और यहाँ देखिए दोस्तों डेस्कटॉप का फोल्डर आपको दिखाई देता है, वहाँ पर आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। आपका जो भी फोल्डर था वो यहाँ था, तो ये जो फोल्डर आपको फिर से वापस लाना है तो यहाँ देखिए मेनू बार में व्यू मेनू आपको दिखाई देता है, उसमें हिडन आइटम वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप टिक कर दीजिए, तो आपने जो भी फोल्डर हाइड किया था वो फोल्डर यहाँ डिस्प्ले होगा। ठीक है दोस्तों, ये फोल्डर के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर जो भी फाइल है हमारी वो यहाँ आपको दिखेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो तरीका है वो अनसिक्योर जैसा लगता है, क्योंकि ये जो मेनू में ये जो ऑप्शन दिया है वो कोई भी बंदा वो सर्च करके ये ऑप्शन ढूंढ निकालेगा, और आपका जो भी फाइल या तो फोल्डर है वो ढूंढ निकालेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहला रास्ता है वो थोड़ा सा अनसिक्योर है, थोड़ा सा नहीं लेकिन बहुत अनसिक्योर है। ठीक है दोस्तों, तो इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों दूसरा रास्ता ये है कि ये जो फाइल है इसी फाइल को आप पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप कोई भी पासवर्ड देते हो तो वो पासवर्ड आपके अलावा दूसरे किसी को भी मालूम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी आप पासवर्ड शेयर करेंगे किसी को बताएंगे तो ही सामने वाले बंदे को वो पासवर्ड पता चलेगा और आपका जो भी फाइल है वो ओपन कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लो कि यहाँ जो मैंने एक फाइल वन करके एक फाइल बनाया है उसको हम पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फाइल मैंने बनाया है उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ आपको फाइल मेनू में जाना है, और ये जो फाइल है उसको सेव एज करके सेव करना है। सेव करेंगे तो यहाँ जो भी लिखा हुआ होता है कोई भी चेंजेस होगा वो यहाँ चेंजेस होगा, लेकिन फिर से सेव करने का डायलॉग बॉक्स नहीं दिखेगा, इसीलिए हम फाइल मेनू में सेव एज में जाएंगे, और यहाँ ब्राउज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ये जो फाइल है वो दोबारा सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है दोस्तों, यही डायलॉग बॉक्स के अंदर जो फाइल है उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका यहाँ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको उसमें सबसे नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ टूल्स ऑप्शन आपको दिख रहा है उसके अंदर आपको क्लिक करना है,
और यहाँ जाना है जनरल ऑप्शन के अंदर। जनरल ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये जो डायलॉग बॉक्स है उसमें दो प्रकार के आपको पासवर्ड देने हैं, ठीक है दोस्तों। पहला जो है पासवर्ड वो पासवर्ड टू ओपन का है और दूसरा है वो पासवर्ड टू मॉडिफाई का है, ठीक है दोस्तों। पासवर्ड टू ओपन में आप अगर सिक्योरिटी पासवर्ड देते हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी फाइल है वो ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड देना होगा। और दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया है पासवर्ड टू मॉडिफाई, मतलब कि फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, आपको पूरा फाइल दिखेगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है जो भी है वो सब आपको दिखेगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकोगे, कुछ भी लिख नहीं पाओगे, कुछ भी डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दो प्रकार के हम पासवर्ड यहाँ देंगे, फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। पहला जो ऑप्शन है वो पासवर्ड टू ओपन है, यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, और मॉडिफाई में पासवर्ड मैं दे देता हूँ 4 5 6। फिर यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है तो फिर से वो पासवर्ड री एंटर करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ मैंने ओपन करने के लिए पासवर्ड रखा था 1 2 3, और यहाँ ओके कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए फिर से मॉडिफाई वाला पासवर्ड री एंटर करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ मैंने मॉडिफाई करने के लिए 4 5 6 पासवर्ड रखा था, और यहाँ ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ फिर से सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। ये फाइल हमारा सेव हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा, और ये जो फाइल है वो मैं फिर से ओपन करता हूँ। ये जो फाइल है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ मैंने जो पासवर्ड रखा था ओपन करने के लिए वो 1 2 3 था, और यहाँ ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मान लो कि मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड आपको मालूम नहीं है, या तो फिर कोई दूसरा बंदा है वो ओपन कर रहा है और उसको मॉडिफाई का पासवर्ड मालूम नहीं, वो ओनली फाइल देखना चाहता है, तो रीड ओनली के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये फाइल आपको यहाँ दिखेगी। ये जो फाइल दिखती है उसके अंदर वो बंदा मान लो कि मॉडिफाई करता है कुछ इस तरीके से, तो ये जो चेंजेस है वो सेव भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो फाइल है वो रीड ओनली फाइल है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैं फाइल मेन्यू के अंदर फिर से सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए दोस्तों ये फिर से सेव करने को कहता है। जो भी हमारा ओरिजिनल फाइल है वो सेव नहीं होगा, वो चेंजेस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने फाइल बनाया था उसमें मुझे मॉडिफाई करना है, तो फिर से डबल क्लिक करके फाइल ओपन कर दीजिए। यहाँ ओपन करने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 मैं डाल दूंगा, यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। फिर मुझे रीड ओनली फाइल नहीं करना है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ मॉडिफाई का पासवर्ड पूछ रहा है, तो मॉडिफाई का पासवर्ड मैंने डाला था 4 5 6 डालकर यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ कोई भी आप चेंजेस कर सकते हो, आप अपनी फाइल में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ इंडिया इज ग्रेट कंट्री, अब ये जो फाइल है वो मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, यहाँ सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने जब सेव किया तो फिर से सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स आया नहीं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मॉडिफाई का मैंने पासवर्ड यहाँ डाल दिया था। और यहाँ से मैं फिर से क्लोज बटन कर दूंगा तो भी वो फिर से सेव करने के लिए कोई भी डायलॉग बॉक्स या तो नोटिस आएगी नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं ऐसे क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, देखिए बंद हो गई फाइल, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा तरीका हमारा ये था कि पासवर्ड देकर फाइल को मॉडिफाई कर देना, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया वो बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि जो पासवर्ड आपने डाला है वो किसी को भी मालूम नहीं होता है। अगर आप पासवर्ड शेयर करते हो तो ही वो पासवर्ड यहाँ डाल के आपका फाइल चेंजेस कर सकता है, ओपन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें भी एक अनसिक्योर बात ये है कि कोई भी बंदा है उसको पासवर्ड मालूम नहीं है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका जो भी फाइल है वो कहाँ पर है वो उसको मालूम है। तो अगर ये जो फाइल है वो अगर डिलीट कर देता है तो आपका फाइल तो बहुत ही अनसिक्योर हो गया, आपका जो भी इम्पोर्टेड डेटा है वो डिलीट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ अगर उसने यहाँ फाइल डिलीट कर दिया
तो आपका फाइल यहाँ से चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो भी फाइल है या तो फोल्डर है उसको स्ट्रांगली सिक्योर करना है। किस तरीके से कि मान लो कि कोई भी बंदा है उसने फाइल को ढूंढ लिया है तो वो चेंजेस या तो ओपन तो नहीं कर सकता है लेकिन उसको डिलीट भी नहीं कर सकता। उस तरीके से आप चेंजेस करना चाहते हो तो मैं यहाँ एक तीसरा रास्ता आपको बताता हूँ कि कोई भी फाइल या तो फोल्डर है उसको स्ट्रांगली सिक्योर कैसे कर सकते हैं, वो भी विदाउट सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बाहर से परचेज करना नहीं पड़ेगा। ये जो फैसिलिटी है वो आपको विंडोज़ में ही मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम तीसरा तरीका देखते हैं कि कोई भी फाइल या तो फोल्डर है वो कोई भी बंदा डिलीट ना कर सके, तो वो तरीका हम यहाँ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ चेंज अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये जो अकाउंट है वो लोकल अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आप ये कहलाता है। अगर ये जो अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट ईमेल से साइन इन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, या तो फिर ये लोकल अकाउंट अगर आप रखना चाहते हो तो इसको लोकल अकाउंट भी आप रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ लोकल अकाउंट ही रखूँगा। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसमें बहुत सारी परमिशन आपको मिलेगी कि वो कोई भी बंदा है वो एक्सेस कर सकता है या तो नहीं कर सकता है, वो परमिशन आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसको मैंने पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया है और इसीलिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो मेरे सिवा दूसरा कोई भी बंदा ये अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब प्रैक्टिकल बताने के लिए मुझे ये जो लोकल अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर वाला, ये अकाउंट से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये जो अकाउंट है उसमें से अगर मैं बाहर निकलूँगा तो यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं जो शूटिंग है वो मैं मोबाइल से करने वाला हूँ। तो अभी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मोबाइल का वीडियो आएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, स्टार्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पावर बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ स्लिप बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका जो भी पीसी है वो स्लिप मोड में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्लिप मोड में चला गया है। फिर से यहाँ मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वापस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, स्टार्ट हो गया है और यहाँ मैंने जो पासवर्ड रखा था तो मैं पासवर्ड एंटर करूँगा और यहाँ सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो मैंने पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया है, तो ये जो अकाउंट है कोई भी बंदा ओपन नहीं कर सकता मेरे सिवा। अगर इसका पासवर्ड मैं शेयर करता हूँ तो ही वो ओपन कर सकता है। आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है उसके लिए आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो जो बिना पासवर्ड या तो पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है, वो पासवर्ड आप सबको शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है कि आपका जो भी लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर वाला अकाउंट है उसका पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैं एक दूसरा अकाउंट यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा, यहाँ स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ चेंज अकाउंट सेटिंग में आपको जाना है, उसके अंदर आपको यहाँ देखिएगा फैमिली एंड अदर यूजर्स, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया है एड समवन एल्स टू दिस पीसी, मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसके अलावा एक दूसरा अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो जो अकाउंट कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं एड समवन एल्स टू दिस पीसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पीसी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कोई भी नाम यहाँ आप लिख दीजिए, यूज़र वन, और यहाँ पासवर्ड आप लिख दीजिए। मान लो कि मैं यहाँ पासवर्ड एंटर कर देता हूँ 000, और यहाँ भी पासवर्ड री एंटर 000 कर देता हूँ। यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं वो आपको दे देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस दे सकते हो। और यहाँ नेक्स्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ यूज़र वन
का एक अकाउंट यहाँ क्रिएट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो यूज़र वन है वो अकाउंट के अंदर हमको जाना होगा। यहाँ स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ यूज़र अकाउंट में जाना है और यहाँ साइन आउट का ऑप्शन आपको दिया है, तो ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वहाँ से हम साइन आउट हो जाएंगे और यूज़र अकाउंट वन के अंदर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ साइन आउट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ साइन इन आउट हो रहा है, ये साइन आउट हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ वेलकम स्क्रीन आपको दिख रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पहला हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लोकल अकाउंट है वो भी यहाँ दिख रहा है और उसके अलावा एक यूज़र वन करके अकाउंट यहाँ क्रिएट हुआ है वो भी हमको दिख रहा है। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी हमने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड यहाँ हम डाल देंगे। ये पासवर्ड मैंने डाला था, जिस तरीके से फर्स्ट टाइम आप विंडो इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से जो भी सेटिंग्स आते हैं स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से सब सेटिंग आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा यूज़र वन अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने जो फाइल बनाया था वो कहाँ पर है वो यहाँ से पहले देखना पड़ेगा। यहाँ दिस पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे, सी ड्राइव में जाना होगा। सी ड्राइव में आपको यूज़र्स में जाना होगा। यूज़र्स में मेरा जो लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर वाला था वो स्वरा का था, उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो नोटिस आपको दे रहा है कि यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। ठीक है दोस्तों, इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आपको ये जो सोरा नाम का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट था उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो परमिशन लेने के लिए यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने जो पासवर्ड रखा था सोरा का लोकल अकाउंट का वो यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा आपको और यहाँ यस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा तो ही आप ये अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, वो एक्सेस करने के लिए यहाँ प्रोसेस हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो स्वरा नाम का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर जो भी फाइल्स या तो फोल्डर है वो अब ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट था उसमें डेस्कटॉप के ऊपर हमने हमारा फाइल बनाया था, वो फाइल फोल्डर का नाम था माई फाइल और उसके अंदर फाइल वन नाम के एक फाइल था वो हम यहाँ से ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने पासवर्ड भी रखा था, ओपन करने के लिए पासवर्ड था 123। यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और मॉडिफाई के लिए पासवर्ड था 456 और यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये हमारा फाइल यहाँ ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो भी फाइल है उसको आप इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि ये जो फाइल है वो कोई भी बंदा अगर ढूंढ लेता है तो इस फाइल को वो डिलीट ही न कर पाए। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ वो ये विदाउट सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये जो फाइल है उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मान लो कि ये जो फोल्डर हमने बनाया था उसको हम दूसरी जगह पर ले जाते हैं, मान लो कि दिस पीसी के अंदर फैमिली नाम का एक जो ड्राइव बनाया है उसके अंदर हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये जो फोल्डर है वो यहाँ आ गया है। फोल्डर को अलग ड्राइव में मूव करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भी अपना पर्सनल कंप्यूटर होगा और उसके अंदर बहुत सारा आपका डॉक्यूमेंट भी होगा, फाइल्स भी होंगे, फ़ोटोज़ भी होंगे, वीडियो भी होंगे। तो उस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि एक अलग ड्राइव आपने बनाया है फैमिली ड्राइव, उसमें आपका जो भी डेटा है उसको आप उस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा अगर आपका डेटा ढूंढ लेता है तो उसको डिलीट ही ना कर पाए, वो भी विदाउट सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये जो माई फाइल का फोल्डर मैंने बनाया था उसको मैं अलग ड्राइव में यहाँ मूव कर दिया है।
तो ये जो फाइल है उसके ऊपर हमको राइट क्लिक करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज़ बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में हमने एक यूज़र अकाउंट बनाया था यूज़र नाम का, उसके अंदर आपको क्लिक करना है, उसमें एडिट में जाना है और यहाँ फिर से यूज़र में जाना है। यहाँ आपको जो भी डैनी आपको ऑप्शन दिख रहा है वो सभी ऑप्शन के ऊपर आपको टिक मार्क कर देना है और यहाँ अप्लाई बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, हम यहाँ यस ऊपर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, फिर से ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट था। अब मान लो कि ये जो अकाउंट है उसके अंदर से मैं बाहर निकल जाता हूँ और हमने जो यूज़र वन नाम का अकाउंट बनाया था उसके अंदर हम चले जाते हैं और देखते हैं कि ये जो फोल्डर है उसको हम एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम वेलकम स्क्रीन के अंदर आ गए हैं और यहाँ यूज़र वन नाम के एक यूज़र अकाउंट हमने बनाया था, उसके अंदर हम एंटर करेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे और यहाँ सबमिट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ लॉगिन हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ हमारा यूज़र वन अकाउंट लॉगिन हो गया है। इसमें जो भी हमने फोल्डर सेव किया था, मूव किया था, वो दिस पीसी के अंदर था और उसमें यहाँ फैमिली ड्राइव है उसके अंदर था और यहाँ माय फाइल नाम का यहाँ फोल्डर आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो फोल्डर है अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो डिलीट ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ लोकल यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट था उसका यहाँ परमिशन आपको दिख रहा है ना। अब ये जो स्वरा नाम का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट था उसका पासवर्ड सिर्फ मुझको ही मालूम है, किसी और को मालूम नहीं है। तो ये जो फाइल है अगर वो डिलीट करना चाहता है तो उसको कंपलसरी पासवर्ड देना ही पड़ेगा। अगर पासवर्ड वो गलत देता है तो भी वो काम यहाँ नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये माय फाइल का जो भी फोल्डर है वो डिलीट ही नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है वो एक विदाउट सॉफ्टवेयर ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि ये जो फोल्डर है ये मैं ओपन करना चाहता हूँ, इसके अंदर जो भी फाइल है उसके अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अकाउंट है उसके अंदर से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा मेरे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मेरा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, उसके अंदर मैं लॉगिन करूँगा। देखिए दोस्तों लॉगिन हो गया है, उसमें मेरा जो फोल्डर था वो दिस पीसी के अंदर था, उसमें फैमिली ड्राइव के अंदर था, उसमें यहाँ आपको फोल्डर दिख रहा है माय फाइल नाम का। फोल्डर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ सिक्योरिटीज़ में जाएंगे। सिक्योरिटीज़ में हमने यूज़र वन जो अकाउंट है उसमें हमने ये ऑप्शन दिया था, यहाँ एडिट में जाएंगे और यहाँ फिर से यूज़र में, और यहाँ जो भी सब टिक किया था हमने वो सब टिक हम निकाल देंगे और यहाँ अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से अप्लाई बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर लास्ट ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा फाइल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ आप एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने पासवर्ड दिया था वो भी हमको देना पड़ेगा ये ओपन करने के लिए और ये मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दूसरी एक बात आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा और आपका जो भी क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।